कोरोना काल में जिला जेल से बंदियों को पैरोल मिली थी। रिहा होने के बाद बंदी घर चले गए, जहां आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जेल के लगभग 90 बंदी जेल में वापस नहीं आए हैं और सभी लापता हैं, जिनका सुराग लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मार्च 2020 में शासन ने 7 साल और उससे कम सजा वाले बंदियों को पेरोल देने का फैसला किया था, जिसके तहत अप्रैल 2020 और 21 में आगरा की सेंट्रल जेल, जिला जेल सहित आसपास के जनपदों में सैकड़ों बंदियों को 2 बार में पेरोल पर रिहा किया गया। समय बीतने के बाद अब DIG जेल का कहना है कि आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा की जेलों में लगभग 90 बंदी ऐसे हैं जो पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं आए हैं। इनमें 90 बंदी 7 साल से कम सजा वाले हैं और 3 बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। ये सभी वर्ष 2020 और 21 में पैरोल पर गए थे। फिलहाल DIG जेल द्वारा बंदियों के जेल में नहीं दाखिल होने पर SSP को पत्र लिखा गया है और उन्हें जेल में दाखिल कराने के लिए कहा गया है। जेल प्रशासन को कुछ बंदियों के बारे में पता चला है कि पैरोल मिलने के बाद वे घर गए थे। पैरोल अवधि समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए। अब वहाँ क्या कर रहे हैं इस बारे में परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं। वही रिश्तेदार के संपर्क में भी वे लोग नहीं हैं। प्रभारी DIG जेल VK सिंह ने बताया कि पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में नहीं आने वाले बंदियों की तलाश की जा रही है। संबंधित जिले के SSP को पत्र लिखा गया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उधर SSP सुधीर कुमार सिंह ने कोर्ट के आदेश पर पैरोल दी थी। ऐसा है कि जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि चूंकि जेलों में बंदियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको डीकंजेस्ट करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए एक निर्देश दिया गया कि ऐसे बंदी जिनको छोड़ने से समाज में अशांति होने की संभावना नहीं है या छोड़े जाने से किस प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं, उनको जो है एक निर्धारित अवधि के लिए छोड़े जाने के निर्देश दिए गए, जिसके अनुक्रम में यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जो है, और हाई पावर कमेटी ने जो संस्तुतियाँ की उसके आधार पर एक आदेश शासन द्वारा जारी किया गया जाए। उसी अनुक्रम में सभी कारागारों में जो पात्रता की श्रेणी में आते थे, उन बंदियों को कारागारों से रिहा किया गया। अब जिसे मैं बताऊं कि उस पीरियड में हमारे इस कारागार में, चूँकि सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं, तो 78 बंदी हमारे यहाँ से कारागार से छोड़े गए थे जो है, और 78 बंदियों में से केवल 3 बंदी को छोड़ करके सभी बंदी हमारे यहाँ कारागार पर वापस आ गए हैं, और 3 बंदियों में 2 बंदी ऐसे हैं जो कि उनको गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और अभी भी बीमार हैं, उनका उपचार होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई है। हमारे पास केवल 1 बंदी ऐसा है जो कि अभी तक वापस नहीं आया है। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसको जानकारी प्राप्त कर लिया जाए, और संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उनको पुनर्गिरफ्तार करके इस कारागार में दाखिल किया जाए। DG महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।